से वो चौपर के जरिए फिर एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से जो झारखंड में उनकी जनसभा होने वाली है वहां के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अभी तक तो देखिए ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में दरअसल नामांकन वो करेंगे। और चूंकि ये अंदर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऑफिस की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। और ये देखिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, उत्तर प्रदेश के मुखिया मौजूद हैं उनके साथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नामांकन देखिए दाखिल उन्होंने कर दिया है, उसके बाद की जो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो प्रक्रिया होती है वो यहां पर चल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया और बाकी अब थोड़ी देखिए ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, लगता है कि प्रधानमंत्री नाम नहीं मिल पाए। और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अब छोड़ रहा हूं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ भी ले ली है और उसके बाद फिर अब वो साइन करेंगे। आप देखिए वो साइन करते हुए ये तस्वीरें आ रही हैं और देखिए नामांकन दाखिल उन्होंने कर दिया है। हालांकि समय की यहां पर थोड़ी सी जरूर कमी देखने को मिली, चूंकि शुभ मुहूर्त था और उस समय पर वो जरूर वहां पर पहुंच गए थे। अब ये बाहर की तस्वीरें सामने आई हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद। और साथ ही आपको बता दें कि देखिए जो भी ये ऑफिस के अंदर पहुंचे उस दौरान की ये तस्वीरें हैं, जो कि नामांकन प्रक्रिया यहां पर होनी थी उस दौरान की ये तस्वीरें सामने आई। एक फाइल लेकर दरअसल वहां यहां पर पहुंचते हैं, चूंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जमा होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को जांचा परखा जाता है, उसके बाद फिर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अब नामांकन चूंकि दाखिल कर चुके हैं प्रधानमंत्री, अब सीधा यहां से वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और वहां से सीधा वो रवाना हो जाएंगे। चूंकि 1:30 बजे का कार्यक्रम भी उनका आगे प्रस्तावित है, अपने अगले प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए वो रवाना होंगे। तो यूपी के सीएम और प्रस्तावक वहां पर मौजूद